नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े और स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। क्विज कंपटीशन के आज के सवाल के लिए हमारे साथ आखिरी तक बने रहें। आइए रुख करते हैं पहले हेडलाइंस की ओर। किसानों के लिए खुशखबरी, 3 लाख रुपए तक के लोन पर छूट को मिली मंजूरी। परेशान हैं महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक, सरकार को दिया 15 दिनों का अल्टीमेटम। पीएम किसान स्कीम में गड़बड़ी करना छोड़ दें अधिकारी और कर्मचारी, वरना होगी FIR। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने विकसित की सरसों की 2 नई किस्में, किसानों को होगा फायदा। बाजरे में फड़का और कीट के प्रकोप से परेशान किसान, कृषि विभाग की टीम ने किसानों को दी सलाह। FTJ के अंतर्गत कृषि जागरण द्वारा पहली बार महिला किसानों के लिए आयोजित हुआ ट्रेनिंग सेशन। आइए अब विस्तार से कृषि से जुड़ी खबरों की ओर रुख करते हैं। केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने किसान क्रेडिट कार्ड पर 3 लाख रुपए तक के लोन पर छूट देने की मंजूरी प्रदान कर दी है। किसानों को 1.5% ब्याज की दर पर छूट देने का फैसला किया गया है और इसके तहत कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को साल 2022 और 23 से साल 2024 और 25 के बीच अतिरिक्त 19,047 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। देश में प्याज किसान इन दिनों भारी संकट से जूझ रहे हैं। किसानों द्वारा प्याज को औने पौने दाम पर बेचने की खबरें लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। इसके सबसे ज्यादा मार महाराष्ट्र के किसानों पर पड़ रही है और यहां के अहमदनगर में किसानों की तरफ से प्याज के रेट को बढ़ाने की मांग की गई है। इसके लिए सरकार को 15 दिनों का अल्टीमेटम भी दिया गया है। आपको बता दें कि फसल की लागत नहीं निकलने की वजह से अन्नदाता काफी परेशान और हैरान है। इसी के चलते किसानों ने सरकार से मदद करने की भी अपील की है। किसानों की सबसे बड़ी योजना पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम में अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी किसी को गलत तरीके से पैसा दिलाकर फायदा उठा रहे हैं तो सावधान हो जाएं। ऐसे काम बंद कर दें वरना जेल की हवा खानी पड़ सकती है। नौकरी जाएगी वो अलग। दरअसल पिछले कुछ समय से ऐसे मामलों में ताबड़तोड़ कार्रवाई भी की गई है। तमिलनाडु से लेकर राजस्थान, गुजरात और कर्नाटक में पीएम किसान योजना में गड़बड़ियों को लेकर FIR भी दर्ज की गई है और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। ऐसे में 12वीं किस्त आने से पहले गड़बड़ी करना बंद कर दें तो बेहतर होगा। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने सरसों की 2 नई किस्में RH1424 और RH1706 विकसित की है। इन किस्मों से हरियाणा के साथ पंजाब, दिल्ली, राजस्थान और जम्मू के किसानों को काफी लाभ होगा। आपको बता दें कि हरियाणा और राजस्थान प्रमुख सरसों उत्पादक राज्य हैं और इसीलिए इन किसानों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। इसमें से एक प्रजाति 0 फैटी एसिड वाली है जिसे सेहत के लिए काफी अच्छा माना जाता है। राजस्थान के कोटपुतली क्षेत्र में बाजरे की फसल में फड़का और कीट से किसान काफी परेशान है, जिसको लेकर कृषि विभाग की टीम ने विजिट कर किसानों को फसल में कीट के प्रकोप से बचाने के उपाय बताए। सहायक कृषि अधिकारी रमेश भारद्वाज ने बताया कि बाजरा फसल में तना मक्खी और तना छेदक कीट के नियंत्रण के लिए इंडोक्लोपोर 17.8 SL आधा मिलीलीटर प्रति लीटर पानी या क्लोरोपोरिफोस 20 AC या ट्रीपोर्निल 3% G 5% SC 3.5% SC या क्लोरोपाइरिफोस विक्रिय का उपयोग करें। देश के किसानों की समस्याओं का समाधान हमेशा से ही कृषि जागरण अपने मंच से करता आया है और इसी घड़ी में कृषि जागरण ने फार्मर द जर्नलिस्ट की शुरुआत की है। इसके तहत किसान अपने क्षेत्र की कृषि से जुड़ी खबरों को कृषि जागरण के माध्यम से देश और दुनिया तक पहुंचाकर किसान पत्रकार की भूमिका निभाने का काम कर रहे हैं और इसी घड़ी में आज कृषि जागरण की टीम द्वारा FTJ के अंतर्गत पहली बार महिला किसानों के लिए ट्रेनिंग सेशन बैच नंबर 13 का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि जागरण की डायरेक्टर शानी डोमिनिक ने सभी महिला किसानों से कृषि से जुड़े मुद्दों पर खास बातचीत की। आपको बता दें कि अब तक FTJ से 200 से ज्यादा किसान जुड़ चुके हैं और हमारा यही प्रयास है कि इसी तरह से हर स्टेट के नए नए फार्मर से जुड़े और उन्हें जागरूक करें। बीते कुछ दशकों से किसानों के लिए गाजर घास बेहद ही खतरनाक चुनौती बनकर उभरी है, जो फसलों के लिए, पशुओं और स्वयं किसानों के स्वास्थ्य के लिए काफी खतरनाक होती है। असल में गाजर घास का एक पौधा एक वर्ष में 3 बार अपना जीवन चक्र पूर्ण कर लेता है तथा इससे एक पौधे से 10,000 से 25,000 तक बीज उत्पन्न होते हैं। ये पौधा पर्यावरण को भी प्रदूषित करता है। ऐसे में किसानों के लिए इसका प्रभावी नियंत्रण जरूरी है। जीबी पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने गाजर घास उन्मूलन के लिए एक विशेष अभियान की भी शुरुआत की है। मानसून के सीजन में देश के कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। ओडिशा, मध्य प्रदेश, गुजरात समेत कई राज्यों की नदियां उफान पर हैं और जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, उत्तराखंड, राजस्थान समेत ज्यादातर राज्यों में आज भी बारिश के आसार हैं। तो वहीं मौसम विभाग के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान
36 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। और आज एफटीपी ऑर्गेनिक के क्विज कंपटीशन में आपके लिए सवाल है कि अम्लीय मृदाएं कहां पाई जाती हैं, और आपके ऑप्शन है नंबर 1 शुष्क क्षेत्रों में, नंबर 2 अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, नंबर 3 अर्ध नम क्षेत्रों में, और नंबर 4 नमी वाले क्षेत्रों में। तो देरी किस बात की, फटाफट से आप हमें इसका जवाब आपके स्क्रीन पर दिख रहे मोबाइल नंबर पर 8800023204 पर SMS कर बताएं और जीते FTB ऑर्गेनिक के डिस्काउंट कूपन और ढेरों इनाम। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।